सो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए कैसा एप्लीकेशन लाया हूं ना जिसका यूज करके आप अपने फोटो को बहुत ही बढ़िया तरीके से आप एडिट कर पाओगे। तो अगर आपको जानना है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके उसको ऑल पे सेलेक्ट कर लेना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम अपनी सिंपल सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चीज इपिक एप्लीकेशन में अपने फोटो को एड कर लेते हैं। एड करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। इसके बाद आपके सामने काफी सारे टूल्स इस तरीके के देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली हम यहाँ बेसिक टूल का यूज करेंगे, ठीक है। अगर आपको पूरा ट्यूटोरियल चाहिए तो कमेंट करके बताना क्योंकि उसमें वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो सबसे पहले चीज आपको यहाँ पे स्क्रीन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, सिंपल आपको उस पर टैप कर देना होगा। स्क्रीन का यूज करके अपने फोटो को बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे रिटच कर पाओगे, जिसे यहाँ पे मैं स्क्रीन पे आपको टैप करके दिखा देता हूँ। एंड जस्ट वन क्लिक में अपने फोटो यहाँ पे बना पाओगे, जैसे कि यहाँ पे आपको सेकंड नंबर के ऑप्शन में मिल रहा होगा स्क्रीन ये स्मूथ। इसको आपको टेस्ट यूज करेंगे, जैसे पहले नंबर पर हमने करा एंड यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारा फेस स्मूथ होगा। इसी तरीके से आपको यहाँ पे स्मूथर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। इसका यूज करके आप अपने फोटो को बहुत ही बढ़िया तरीके से स्मूथ कर पाओगे कुछ इस तरीके से। फुल इंक्रीज कर लूंगा तो देखना यहाँ पे हमारा फेस कितना बढ़िया तरीके से बनकर रेडी हो जाता है। सिंपली आप देख सकते हो कितना मस्त लग रहा है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे आपको डिटेल्स का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो सिंपली आप डिटेल्स पे क्लिक कर लेते हैं। इन डिटेल्स की मदद से हमारी फेस पे जो डिटेल्स का है पॉइंट हम सिंपली उसको वापस ला सकते हैं इस तरीके से। देखो यहाँ पे मैं डिटेल्स पे ऐड करा एंड इसके बाद हम क्या करते हैं डिटेल्स की बढ़ा लेते हैं, सॉरी डिटेल्स का ओपेसिटी बढ़ा लेते हैं। एंड इसके बाद देखो डिटेल्स कितने अच्छे से हमारे फोटो पे आ चुकी है। एंड राइट पे क्लिक करके हम डेट कर देते हैं। इसी तरीके से आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे यहाँ पे मेकअप का एक ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। तो मेकअप में हम बेसिकली लिप का कलर भी कर सकते हैं, अदर बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। अगर आपको जानना है तो कमेंट करके जरूर से बताना। इस एप्लीकेशन का फुल ट्यूटोरियल मैं आपको ला के दे दूंगा। जैसे यहाँ पे देखो मैंने लिप पे कलर करा, लिप पे कलर करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, बट इस एप्लीकेशन की वजह से आप जस्ट वन क्लिक में अपने लिप को भी एडजस्टमेंट कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी बढ़िया तरीके से हमारे लिप कलर हो चुका है। देने से बाद हम राइट पे क्लिक करके डन कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली इस पर टैप कर देना होगा। यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट में फर्स्ट नंबर पे एक सिलेक्टिव का ऑप्शन मिलेगा जो कि हमें स्नैपशॉट में देखने को मिलता है। एंड इसका यूज करके हमको जो पार्ट सिलेक्ट करना है सिर्फ उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इससे हमारा फेस भी ग्रो हो सकता है, जिससे यहाँ पे देख सकते हो मैं फोटो की ब्राइटनेस आपको बढ़ा के दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे हमने ब्राइटनेस कराई तो खाली हमारे फेस की ब्राइटनेस भी थी, एंड इसके अलावा इसका असर कहीं भी नहीं हुआ। एंड इसका यूज करके आप अपने फोटो को बहुत ही बढ़िया तरीके से रिटच कर सकते हो। देन यहाँ पे आपको एक एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिलेगा जो आपको लाइटरूम एप्लीकेशन में देखने को मिलता है, जिसे यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कलर एडजस्टमेंट करके आपको दिखा देता हूँ। जिससे यहाँ पे देखो मैं कलर एडजस्टमेंट करता हूँ, जिससे मैं आपको ब्लैक एंड व्हाइट टोन यहाँ पे डाल के सिखा देता हूँ। जिससे मैंने सारे कलर्स की ना सैचुरेशन यहाँ पे डाउन कर लेता हूँ। इन सारे कलर की सैचुरेशन डाउन करने के बाद यहाँ पे देखना हमारा फोटो का कलर ब्लैक एंड व्हाइट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। एंड इसी तरीके से आप अपने फेस को भी गोरा कर सकते हो, फेस वाली एडिटिंग भी कर सकते हो। मतलब इस एप्लीकेशन में टोटली आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी ना जिसकी वजह से अपने फोटो को बहुत ही बढ़िया तरीके से एडिट कर पाओगे। तो अगर आपको इसके फुल ट्यूटोरियल चाहिए कि भैया कैसे से एडिट कर सकते हैं अपने फोटो को, तो मुझे कमेंट करके आप जरूर से बताना। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना एंड नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके उसको ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि अगर आपको इस एप्लीकेशन के बारे में जानना है तो कमेंट में आपको बताना जरूरी है।